ओम रण भैया के समाए जातो है और भैया की जान भैया को गमाए देते हैं। गज बिन शूद्र खग पंख बिन प्राण तजे तैसी एक बलवान भैया को बल घटाए दे तो है। बिसाले क भैया भैया के मिलन को और भैया मरे भैया को कलेजो कपाए दे तो है। आज भगवान राम ने जैसे ही देखा लक्ष्मण को एकदम से कहने लगे भैया और गोदी में लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज फूट फूट करके रोने लगे। भैया लक्ष्मण बिरन का बोल सुनाए दे कहां पे लगो है शक्ति तेरे प्रार्थन का बोल सुनाए दे कहां पे लगो है शक्ति तेरे लक्ष्मण। मैंने तुमसे बहुत मना किया था लेकिन तुमने मेरी एक भी बात को नहीं माना। भैया तुम मुझे छोड़कर के नहीं जा सकते मेरे वीर। बिरनन का बोल सुनाए दे कहां पे लगो है बेरी तीर सुनाए दे कहां पे लगो है शक्ति तीर भैया लक्ष्मण तुम मुझे छोड़कर के नहीं जा सकते मेरे वीर। छोड़ के मत जइयो मेरे व्रात छोड़ के छोड़ के मत जइयो मेरे व्रात छोड़ के करी संग मेघनाथ उपघात करी संग करी संग मेघनाथ उपघात करी संग मेरे वीर तुम मुझे छोड़कर के नहीं जा सकते। लक्ष्मण मेघनाथ ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हरी संग मेघनाथ उपघात करी संग युद्ध को हल बताए दे कहां पे लगो है शक्ति तीर बिरनन का बोल सुनाए दे कहां पे लगो है बेरी तीर जब तुम मेरे साथ आए थे भैया मैंने बहुत मना किया लेकिन तुमने मेरी एक भी बात को नहीं माना मेरे भ्रात। छोड़ के मत जइयो मेरे भ्रात छोड़ के करी संग मेघनाथ उपघात करी संग युद्ध को हाल बताए दे कहां पे लगो है शक्ति तीर
अवध से संग मेरे आए अवध से अवध से संग मेरे आए अवध से बिरन मैंने बहुत ही समझाए बिरन मैंने बिरन मैंने बहुत ही समझाए बिरन मैंने आज उठी बोल सुनाए दे भैया आज उठी बोल सुनाए दे कहाँ पे लगो है सबकी तीरो बोल सुनाए दे कहाँ पे लगो है शक्ति तीरे आज इस तरीका से रामचंद्र जी अपने भैया लक्ष्मण को गोदी में रखकर के रुदन करते हैं भक्तों मेरे भैया ऐसा ही नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते तुम्हारे बिन भैया मैं अवध को कैसे जाऊंगा मेरे भ्रात और भगवान हेलो ध्यान दे जो पीछे भैया झांकी में तैयार हो रहे हैं आवाज न दो कतई शांति से तैयार हो वीडियो बन रही है आप लोग चिल्ला रहे हो जिनके पता नहीं कैसा उदम हो रहा है पीछे कि दिल में धीर कैसे धारो भैया चलो गो हमको छोड़ के दिल में धीर कैसे धारो भैया चलो गो हमको छोड़ के अरे उठ के बैठो अखियां खोलो तेरत तेरो भाई अरे उठ के बैठो अखियां खोलो तेरत तेरो भाई सुनर मोही क्यों है गया है सुनर मोही क्यों है गया मेरो लक्ष्मण भाई अब तो दिल में फिर कैसे धारो भैया चलो गो हमको छोड़ के दिल में धीर कैसे धारो भैया चलो गो हमको छोड़ के दिल में धीर कैसे धारो बीरन चलो गो हमको छोड़ के आज भक्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण को गोदी में लेकर के रोने लगे विलाप करते हैं अपने स्वामी जी का बिगड़ा हालत देख करके आज बानर दल में बुरी तरीके से हाहाकार मच गया बानर दल रो रहा है इधर विभीषण ने आकर के समझाया रामचंद्र जी को प्रभु अभी लक्ष्मण के कुछ नहीं बिगड़ा है एक लंका में वेद रहता है अगर वो आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं भगवान कहने लगे विभीषण ऐसा कोई वीर नहीं है जो लंका में जा सके और लंका में वही वीर जा सकता है जिसे लंका का संपूर्ण हाल पता हो आज अपने स्वामी जी का बिगड़ा हाल देख करके हनुमान कहने लगे प्रभु लंका में मैं जाऊंगा
और भाइयों उसी समय राई का ध्यान धरे चले बलि हनुमंत, रखे गोदी में शीश को और रोए रहे भगवंत। आज भगवान राम की आज्ञा लेकर के पवन पुत्र हनुमान चले लंका के लिए। आज इधर अंजनी के लाल रात ही रात में लंका में पहुंच जाते हैं और सोते हुए वैद्य सुसेन को आज रामा दल में लेकर के आ गए। जैसे ही सुसेन की आंख खुली, रामचंद्र जी को रोता हुआ देखा, भगवान कहने लगे, सुसेन मेरे भैया की नबज देखो, मेरा भैया मर न जाए, मेरे भैया की नबज देखो। और वैद्य सुसेन क्या बोले हैं रामचंद्र जी से कि धरियो धीर जिगरिया सुसेन कही, धरियो धीर जिगरिया सुसेन कही, करियो धीर जिगरिया सुसेन कही, करियो धीर जिगरिया सुसेन कही। अरे संकट में है प्राण लखन के संकट। आज भगवान राम से कहने लगे, सुसेन दिल में धीरे तुम्हारे भैया का कुछ नहीं बिगड़ा। और बोले तरियो धीर जिगरिया सुसेन कही, तरियो धीर जिगरिया सुसेन कही, इतने कह कर लक्ष्मण जी की इतने इतने कह कर लक्ष्मण जी कीतने पकड़ी वैद न बजिया सुसेन कही, पकड़ी तुरंत न बजिया सुसेन कही, करियो धीर जिगरिया सुसेन कही, करियो धीर जिगरिया सुसेन कही। लक्ष्मण जी की नबज पकड़ करके वैद्य सुसेन बोले रामचंद्र जी, संकट में है प्राण लखन के संकट, संकट में है प्राण लखन के संकट, देखी वैद नबजिया सुसेन कही, देखी वैद नबजिया सुसेन कही, करियो धीर जिगरिया सुसेन कही, करियो धीर जिगरिया सुसेन कही, सुसेन कहने लगे, रामचंद्र जी मैं लंकाधीश रावण का वैद्य हूँ, मैं किस तरह आपका इलाज कर दूं और किस तरह इलाज कर सकता हूँ। और वैद्य सुसेन कहने लगे कि मैं सुसेन लंका दल का